देश बदलना चाहते हैं, हम नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं, हम आम आदमी की जिंदगी में परिवर्तन लाना चाहते हैं, हम भूख और गरीबी पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं, हम भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ शासन देना चाहते हैं। हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा है, हम कांग्रेस की तरह नहीं है, इसलिए हम सारे देश को जोड़ रहे हैं। आखिर व्यक्ति क्या चाहता है? व्यक्ति दो चीजें चाहता है, एक कोई कभी मरना नहीं चाहता। कोई मरना चाहता है क्या? 100 साल की उम्र हो जाए और हम दूध लेने आए तो दादाजी कहेंगे थोड़े दिन और रुक जाओ, जरा एक आध शादी और देखूं फिर चलूंगा। कोई कभी जाना नहीं चाहता, लेकिन दूसरी चीज और साथ जुड़ी है, हम जीना तो चाहते हैं लेकिन दुखी होकर कोई नहीं जीना चाहता, हम सुखी जीवन चाहते हैं। अगर किसी पारिवारिक सदस्य को कई दिनों से तकलीफ हो रही हो, कष्ट हो रहा हो, कष्ट सहनी हो रहा, तो खुद ही कहता है कि अब तो बहुत हो गया, अब तो उठा ले भगवान। और कई बार परिवार भी कहने लगता दुख देखा नहीं जा सकता, अब तो चले जाए तो ही अच्छा है। हम जीना तो चाहते हैं हम, लेकिन सुखी जीवन चाहते हैं। और सुखी जीवन क्या? दुनिया के सारे विचार इसी से प्रारंभ होते हैं। दुनिया के बाकी पश्चिम के देशों ने कहा कि सुखी जीवन का अर्थ क्या है? मनुष्य शरीर है, 3.5 हाथ का हाड़ मांस का पुतला, शरीर की जरूरत पूरी कर दो मनुष्य सुखी हो जाएगा। और शरीर की जरूरत क्या है? भूख लगे तो भोजन मिल जाए, प्यास लगे तो पानी मिल जाए, रहने को मकान मिल जाए, सर्दी में हीटर हो, गर्मी में एसी हो, चलने को गाड़ी हो, भौतिक सुख संपदाएं हो, आहार निद्रा भय मैथुन, इन सब चीजों की व्यवस्था हो जाए मनुष्य सुखी हो जाएगा। और पूरे विचार अगर चले तो इन व्यवस्थाओं को हम कैसे ठीक करें, इसी के लिए चले पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे आराध्य एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता। इन्हें कहा कि बात सही है, मनुष्य शरीर है, शरीर की जरूरत पूरी करना है। हमारे यहां कहा गया शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम में सब धर्मों का पालने का, ये शरीर चाहिए। इसलिए रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई रोजगार का इंतजाम चाहिए। अभी मैं प्रभु जी से बात कर रहा था, वो चिंतित है रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जाए। अभी मध्य प्रदेश की बात हो रही थी, हमको हमारी सरकारों ने, केंद्र सरकार ने भी कोशिश की, हमने कई योजना बनाई, गिनाने का वक्त नहीं है। सस्ता अनाज मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना मकान देने का प्रयास, ऊर्जा रसोई गैस योजना बहनों की तकलीफ कम करने की कोशिश, बीमार हो जाए तो आयुष्मान भारत योजना, यहां भी मेडिक्लेम की योजना हमारे यहां चलती है, इसलिए क्यों जरूरी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की योजना। अब यहां माइनिंग बंद है तो रोजगार के अवसर छिने, रोजगार कैसे बढ़े इसकी चिंता, ये सरकारों का काम है। दिल्ली से मोदी जी कर रहे हैं, यह हमारी सरकार कर रही है, मध्यप्रदेश में भी हमने खूब किया, उसने एक नहीं अनेकों योजनाएं चलाते, ये जरूरी है। अब किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा डालना, छोटे दुकानदारों को पेंशन की योजना, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, या हमारी रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई रोजगार के इंतजाम के लिए। लेकिन दीनदयाल जी ने कहा भैया केवल इतनी जरूरत नहीं है, मनुष्य शरीर के साथ साथ मन भी है, लेकिन मन का सुख भी चाहिए। अब ये मन का सुख क्या होता है? तोतली आवाज में बोलता हुआ कोई बेटा बेटी अगर मां के पास आ जाता है तो मां उस बच्चे को उठा के अपनी छाती से लगा लेती है, और उस समय उसको जिस सुख का अनुभव होता है उसको कहते हैं मन का सुख। अगर वो दोस्त कई दिनों के बाद मिले तो एक दूसरे के गले लग जाते हैं, इसको कहते हैं मन का सुख। कोई चित्रकार को चित्र बना ले और वो कहते हैं वाह क्या पेंटिंग है, तो मन बाग बाग हो जाता है। अगर कोई कविता लिखे और कविता सुनाए, कोई कहते वाह क्या कविता है, तो कवि महोदय गदगद हो जाते हैं। महिला मोर्चे का दिनू जानते कार्यकर्ता था,
एक वर्ग था मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ एक था, युवा मोर्चे के ट्रेनिंग कैंप में मैं बिलासपुर गया था, कार्यक्रम खत्म हो गया, ट्रेन में देर थी, रात को ट्रेन थी, तो हम एक कमरे में धर्मशाला में लेटे हुए थे। अचानक कुछ नौजवान एक बुजुर्ग सज्जन को लेकर मेरे पास आए, क्या भाई साहब ये आपके भाषण से बहुत प्रभावित है, आपसे चर्चा करना चाहते हैं। तो मैं उठ के खड़ा हो गया, बुजुर्ग से बैठाया, मैं उम्र में बहुत छोटा था, तब कांग्रेस का राज था, ये 85 के आसपास की बात है, 86 के। मैंने कहा बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूं। तो बुजुर्ग बोले बेटा देश की हालत बहुत खराब है। मैंने कहा बात तो सही कह रहे, बोले देश की खराब हालत देख के मैं बहुत दुखी हूं। तो मैंने कहा मैं भी बहुत व्यथित हूं। बोले बेटा उस व्यथा से व्यथित होकर मैंने कविता लिखी है, वो कविता की पंक्तियां तुम्हें सुनाना चाहता हूं। तो मैंने मन में सोचा मर गए ये तो कवि हैं, और कवि सब सुनने का मेरा मूड नहीं था। तो मैंने कहा मैं तो महामंत्री हूं, अध्यक्ष जी लेटे हैं बगल में, आप इनको सुनाओ कविता, ये ज्यादा समझेंगे। तो उन्हें लेटे लेटे मुझसे कहा नहीं 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 ये ज्यादा समझते हैं, आप तो इन्हीं को सुनाओ। अब मैं फंस गया, बिल्कुल उनने कविता सुनाना शुरू किया। अब कोई कविता सुनाए तो समझ में आए क्या ना आए, अपन को कहना पड़ता है क्या शब्द है क्या भाव है। तो हम भी कह रहे थे बाबा क्या शब्द है क्या भाव करने के लिए, कविता लंबी होगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। संविधानिक खंड मेरे पास पानी का गिलास रखा था, मैं बोर तो हो रहा था लेकिन पानी का गिलास था कि एक एक घूंट पानी पीऊं हुकूमत के साथ। और जब वो मेरी तरफ देखे तो अब ये कहते कहते मेरी नजरें मेरे अध्यक्ष से मिल गई, जो मुझे फंसा हुआ जान के धीरे धीरे मुस्कुरा रहे। उन्हें मुस्कुराते हुए देख के मुझे भी हंसी आ गई, और मेरे मौका पूरा पानी कवि जी के मुंह पे चला। प्रकार के बद्दे और बेहूदे मुझे ठसका लगा, पानी नाक में पानी। फिर मैंने सोचा बड़ी गलती हो गई, जैसे जैसे सामान का अब करूं क्या। तो मैंने दोनों घुटने उनके सामने टेक दिए और हाथ जोड़ के कहा माफ कर दे मुझसे गलती हो गई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम तो अगली पंक्तियां सुनो। ये अगली पंक्ति सुनाने का सुख मन का सुख है। तो पंडित जी का मन का सुख भी चाहिए, और ये राज और समाज व्यवस्था ऐसी जिसमें कला संस्कृति साहित्य उसका सम्मान हो, उसके लिए अनेकों तरह की योजनाएं। और फिर यही नहीं, उन्होंने कहा तीसरी चीज और बुद्धि का सुख। अब बुद्धि का सुख मैं केवल कौन बनेगा करोड़पति से समझा देता हूं आपको। आपने देखा होगा कार्यक्रम जिसमें अमिताभ बच्चन आते हैं, हार्ड सीट पर कोई सामने बैठता है, एक सवाल उभरता है, उसके उत्तर चार ABCD। अगर सवाल उभरा हार्ड सीट पे आप नहीं बैठे और आपको उत्तर आ गया तो आप जोर से परिवार के साथ टीवी के सामने बैठे जोर से चिल्लाते हैं डी, और डी सही है तो फिर पत्नी की तरफ देखते हैं कि देखे अपन भी कुछ कम नहीं है। इसको कहते हैं बुद्धि का सुख। लेकिन दीनदयाल जी ने एक बात और की बुद्धि के सुख के साथ साथ, और इसलिए वैज्ञानिक जो टैलेंट है उसका सम्मान। अब इसलिए तो मिशन चंद्रयान चल रहा है, एक महीने को रिसर्च की गतिविधियां चल रही है, और चौथा सुख है आत्मा का सुख, उसके बारे में विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा। तो दीनदयाल जी का शरीर मन बुद्धि आत्मा चारों का समुच्चय मनुष्य, और अगर मनुष्य को पूरी तरह सुखी करना है तो ऐसी राज और समाज व्यवस्था जिसमें चारों मिल सके। और वो काम मैं गर्व के साथ कहता हूं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हिंदुस्तान में हो रहा है, एक परिपूर्ण मानव जैसे बने मनुष्य। अब ये सब आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अंततः परमात्मा की प्राप्ति तक कैसे पहुंचे, ये हमारी आइडियोलॉजी है, विचारधारा है। इस विचारधारा से हम सबको जोड़ना चाहते हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि एक व्यक्ति देश नहीं बना सकता, 130 करोड़ भारतीय अगर एक कदम भी चलेंगे तो देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। हमें देश को आगे बढ़ाना है, और जो मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों सबको जोड़ना है, किसी को नहीं छोड़ना है। फिलहाल के लिए कि प्राचीन से आपने भाषण सुना होगा प्रधानमंत्री जी का, स्वच्छता अभियान के बाद पेड़ लगाओ। अब हम सदस्यता करते हैं तो पेड़ लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। उन्होंने प्लास्टिक फ्री की बात की, उन्होंने पानी बचाने की बात की, आगे कौन करेगा ये काम, देश की 130 करोड़ जनता। और सब एक दिशा में लग जाएंगे तो भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बन जाएगा। मुझे स्वामी विवेकानंद जी के वो शब्द याद आ रहे हैं, उन्होंने कहा था, उनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। जब स्वामी विवेकानंद को हो गए तो उन्होंने कहा था घोर निद्रा समाप्ति जान पड़ती है, सुदीर्घ रजनी का अंत निकट है। मैं देख रहा हूं जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते,
लेकिन मैं देख रहा हूं भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और अपने विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। एक नरेंद्र नाथ दत्त ने कहा था, दूसरा नरेंद्र पूरा कर रहा है, वो दिन आ रहे हैं। और इससे मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये स्वस्थ अभियान साधारण अभियान नहीं है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सबको साथ में लेके चलना है। किसी भी आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं, जाति के आधार पर कोई भेद नहीं, पंथ के आधार पर कोई भेद नहीं, सब अपने, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। और ये तो सतीश जी लगे हुए थे कि इसमें इतने कम कैसे है, टारगेट कैसे पूरा होगा। गोवा को हर परिवार को जोड़ना है, 4 लाख परिवार है, 4 लाख टारगेट है हमारा, 4 लाख सदस्य बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अरे जोर से बताइए, बनाएंगे। अरे बाल अब खत्म हो गए, फ्लड अब नहीं है, भगवान ना करे अभी आए, गोवा की जनता सुखी रहे। और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, जिनकी तरफ जिम्मेदारी है, मेरे एमएलए साथी भी आ बैठे, घर घर जाओ, द्वार द्वार खटखटाओ, जो नहीं समझा उसको भी समझाओ, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाओ, क्योंकि हर परिवार को जोड़ना है, हर व्यक्ति को जोड़ना है, राष्ट्र के निर्माण के काम में लगाना है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, सर्वस्पर्शी भाजपा, सर्वव्यापी भाजपा, सर्वस्पर्शी मतलब समाज के हर वर्ग, जिनने अभी वोट नहीं दिया उनको भी छोड़ना मत, उनके पास भी बार बार जाओ। अरे प्यार से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, तो इंसानों की बात ही क्या है। हम सबके लिए काम कर रहे हैं, प्यार से जाएंगे लोग हमारे साथ आएंगे, और इसलिए देश का लक्ष्य भी अपना पूरा हो रहा है। कार्यकर्ता लगे दिनों रात परिश्रम कर रहे हैं। मैं गोवा के कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से भी यही प्रार्थना करता हूं, परिश्रम की पराकाष्ठा करें, प्रयत्नों की परिसीमा करें। आज जाना जरूर पड़ेगा, बिना जाए काम नहीं चलेगा, बिना परिश्रम स्वर्ग नहीं मिलता। और यदि आप जाएंगे तो कोई इनकार नहीं करेगा भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने से। और यदि आप जाएंगे ना, जाएंगे ना, समय थोड़ा बचा उसका उपयोग करके, जहां नहीं पहुंचे वहां पहुंचेंगे, और जो नहीं समझे उनको भी समझाएंगे। माताओं बहनों बेटियों बेटियाओं, कोई जाति हो कोई धर्म हो, सबको भारतीय जनता पार्टी से जोड़िए, अपने लक्ष्य को पूरा कीजिए, अपने टारगेट को पूरा करिए। गोवा बहुत प्यारा राज्य, इतना सुंदर प्रदेश दुनिया में और कहीं मिलना मुश्किल है, और जितना प्यारा गोवा उतनी प्यारी गोवा की जनता, और उससे भी प्यारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आप सब कार्यकर्ताओं को मैं एक बार फिर प्रणाम करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने और प्रधानमंत्री जी के सामने मैं सदस्यता का हिसाब किताब रखूंगा, तो मैं ये कहूंगा कि इसमें गोवा नंबर 1 है। मैं झूठा तो साबित नहीं होऊंगा ना, झूठा साबित तो नहीं होऊंगा। तो आइए संकल्प लीजिए कि बचे हुए समय में दिन और रात एक करके भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाने के लक्ष्य को पूरा करेंगे, और देश में नंबर 1 गोवा रहेगा। आप सब तैयार है ना, तो मेरे साथ संकल्प लीजिए कि 4 लाख के सदस्यता के टारगेट को पूरा करेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के 4 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य पूरा करने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।